दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज स्वागत करता है आप सभी का एक बार फिर से। तो बात करते हैं आज के वीडियो को लेकर के। मैं अभी बात कर रहा था, जैसा कि पिछला वीडियो आप देखे होंगे जिसके पहले जस्ट पहले अपलोड किया गया है, तो दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रहा था। उसमें जो है हम जो है बात कर रहे थे आपके तुगलक वंश को लेकर के, और ट्रिक मैंने बताई थी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो भी वंश थे जीके से तसल्ली मिली बिल्कुल, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। जो है पूरा मैंने बताया हुआ है, जी फॉर गुलाम वंश, के फॉर आपका खिलजी वंश है, टी फॉर आपका तुगलक वंश है, एस फॉर सैयद, और उसके बाद आपका लोधी वंश, और फिर जो है आपके लोधी वंश के बाद जो है गुलाम, उसकी बात आ गई जो है बाबर और जो भी थे मुगलों की बात। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था जो है आपका तुगलक वंश में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक की मैं बात कर चुका था। अब इसमें जो एक और राजा हुआ काफी जो जाना जाता है अपने कार्यों के लिए, फिरोज शाह तुगलक, तो उसके बारे में आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे, और साथ में देखेंगे जो है सैयद वंश और लोधी वंश जो है उसको भी लेकर के। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखें, पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जो है फिरोज शाह तुगलक को लेकर के। 1351 से 1388 ईस्वी इनका शासनकाल था। इसमें लिखा हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक के बारे में, 20 मार्च 1351 को जब MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब डेथ हुई, तो चूंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, सगी संतान की बात हो रही है यहाँ पे, तो वहां के राज्य में जो अमीर लोग थे उन्होंने जो है सर्वसम्मति से फिरोज शाह तुगलक को जो है गद्दी पर बैठाया। 20 को इनकी डेथ हुई थी, 23 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली की गद्दी संभाली, दिल्ली सल्तनत के उसमें जो है वो विराजमान हुए। बात कर लेते हैं इनके कार्यों को लेकर के, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके DLED सेकंड सेमेस्टर की बात करें या अगर कॉम्पिटेटिव पेपर्स की बात करें, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा कि कौन से अब तक पूछे गए हैं सबसे ज्यादा। चलिए, राजस्व सुधार सबसे पहले इसमें आ लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए गए तकावी ऋण को रद्द कर दिया। ठीक है, तकावी ऋण था, उसको जो है खत्म करने का काम फिरोज शाह तुगलक ने ही किया। बात की जाए लगभग इन्होंने 24 कर खत्म किए। बात करते हैं आगे, वेतन में वृद्धि, जो भी राजस्व निरीक्षक होते थे वहां पे उनकी वेतन में वृद्धि की, राजस्व अभिलेख का निरीक्षण स्वयं करता था। ठीक है, तो ये सारे काम जो है राजस्व सुधार के अंतर्गत आए। 24 करों को रद्द किया, 24 जो टैक्सेस थे उसको खत्म करके केवल 4 कर लगाया इस्लाम धर्म के अनुसार, जिसमें जो चारों का नाम था वो है खराज, खमस, जजिया और जकात। तो ये जो कर है जजिया आपका, कई बार यही आपके कॉम्पिटेटिव पेपर्स में पूछा गया है कि पहली बार ब्राह्मणों सहित हिंदुओं पर या ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो ये चारों करों के नाम आपको याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जजिया कर। चलिए, सिंचाई निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं। 5 नहरों का निर्माण कार्य करवाया, नदियों पर लगभग 50 बांध बनवाए, 160 कुएं खुदवाए सार्वजनिक लोगों के जो है पेय व्यवस्था के लिए। सार्वजनिक निर्माण कार्यों का एक तरीके से बोले तो ये शौकीन था। ठीक है, अगर फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए, मतलब कई सारे हैं, मतलब इन्होंने क्या मस्जिदों, 3-3 महलों का निर्माण, लगभग बात की जाए 5 जलाशयों का निर्माण जो है, 200 काफिला सराय का निर्माण जो है इन्होंने करवाया, 5 अस्पताल भी थे उसमें, कई मतलब बात की जाए लगभग 100 कब्रों के निर्माण, कब्रगाह जो होते हैं उनका निर्माण जो है, स्नानागार भी उसमें शामिल थे लगभग 10 स्नानागार, कई सारे पुल थे जिसका निर्माण जो है इन्होंने इसने करवाया था। ठीक है, और कई सारे जो पूर्व में निर्मित जो अगर पुलों पुल की बात की जाए या जो भवन थे उनकी मरम्मत भी जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। न्याय व्यवस्था की बात कर लेते हैं, जब ये विराजमान हुआ तो देखा राज सिंहासन पर बैठते ही कि जो दंड प्रणाली थी काफी जो है कठोर थी, तो जो उदार दंड विधान का निर्माण भी जो है इसने किया। दानशाला औषधालय की बात कर ली जाए, तो जो दानशाला इन्होंने बनवाया उसका नाम था दीवान ए खैरात। ये नाम याद रहे, आपसे ऐसे पूछा जाता है, ये आपने नाम कई बार सुना होगा, अभी इस समय सुन रहे होंगे, दारुल शफा। ठीक है, बिल्कुल दारुल शफा कहते हैं, दारुल शफा यहाँ वहां ये अभी भी है आपका। तो ये जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल होता है, जो औषधालय है, उसी को दारुल शफा बोलते हैं। उस समय दारुल शफा नाम था और दीवाने खैराज जो है वो दानशाला को बोला जाता था। दासों ही तो सुधार कार्य किया। बात की जाए सुल्तान के महल में लगभग 40,000 सुल्तान थे और राज्य में कुल मिला के लगभग 1,80,000 जो है वहां पे दास जो है देखने को मिलते थे। तो इसने क्या किया, उनकी शिक्षा के लिए और शिक्षा से लेकर के उनके रोजगार तक का प्रबंध किया फिरोज शाह तुगलक ने। काफी सराहनीय कार्य थे इनके। इसमें आगे है नोट में लिखा हुआ है, फिरोजाबाद अगर सिटी की बात की जाए जो आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आपके PCS में कई बार पूछा गया है, SSC में भी फिरोजाबाद। फतेहाबाद की बात की जाए, हिसार जो आपकी हरियाणा में जो आपका पड़ता है, ठीक है, या फिरोजपुर जो कि बदायूं के निकट है, और जौनपुर आपका इत्र का शहर, ठीक है, यानी कि जो परफ्यूम्स होते हैं उनकी सिटी जौनपुर। ये जो सिटी आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको बसाने का
कार्य सबसे पहले फिरोजशाह तुगलक ने ही किया था, मतलब इनको बसाया था इन नगरों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका जौनपुर सिटी को किसने बसाया था, ये आपका कई बार पूछा गया है, फिरोजशाह तुगलक ही था। चलिए ये हो गया जो है आपके लेकर के तुगलक वंश को, बाकी जो शासक थे उनका कोई सराहनीय इतना बड़ा जो है कार्य नहीं था, तो उनके बारे में कोई वर्णन जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं सैयद वंश को, इसके आगे 1414 से 1451 तक कुल चार शासक देखने को मिले सैयद वंश में, कोई सराहनीय कार्य ज्यादा नहीं था, तो उनके बारे में भी हम ज्यादा यहाँ पर जानने की कोशिश नहीं करेंगे। खिज्र खान थे, डेट लिखी हुई है कहाँ से कहाँ तक, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, कहीं कहीं आपको केवल आलम शाह लिखा हुआ मिलेगा। तो ये थे जो है आपके 1414 से लेकर के 1451 तक, इसमें लिखा हुआ वंश का संस्थापक। अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खान थे वो, खिज्र खान जिसको बोला कह सकते हैं आप, अरबी मुसलमान था, वहीं लोदी वंश जो है अफगानी मुसलमान थे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है इसमें आप जान सकते हैं। ये हजरत मोहम्मद शाह मक्का के वंशज थे, ध्यान रहे तारीख ए मुबारक शाही सरहिंद द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है तारीख ए मुबारक शाही जो है उस समय प्रचलित थी। इस वंश का अंतिम शासक बात की जाए अलाउद्दीन हसन शाह ने अपनी गद्दी जो है सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी को सौंप दी। अब ध्यान रहे जो लोदी वंश है किस तरीके से जो बहलोल लोदी था उनको गद्दी उन्होंने सौंप दी और स्वयं बदायूं जाकर के वहां का गवर्नर बन गया, और इसी के बाद से जो है आपका शुरू हुआ लोदी राजवंश, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक थोड़ी सी बात और जान सकते हैं खिज्र खान को लेकर के, कि जो फिरोज शाह तुगलक थे उसके बाद खिज्र खान कैसे आए, तो कहते हैं मलिक सुलेमान का जो है के बेटे थे ये, अगर बात की जाए खिज्र खान की, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है मुल्तान का सूबेदार इन्हीं को खिज्र खान को जो है नियुक्त किया गया था, उस समय खिज्र खान को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया था। लेकिन हुआ क्या बाद में तैमूर लंग से जो है ये मिल गया, तो जब तैमूर लंग यहां से लूटपाट करके जब वापस लौट रहा था तो सुल्तान की बात की जाए लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार जो है इनको बना दिया खिज्र खान को, ठीक है। तो काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति तो होने के कारण जो है लगातार शक्ति में वृद्धि ये करता गया, मतलब ये बढ़ता चला गया, और 1414 में 1414 में जो है दिल्ली के राज सिंहासन में जो है अधिकार कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो है खिज्र खान का एक वो था कि किस तरीके से खिज्र खान जो है आपके आए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसमें आपका लोदी राजवंश की बात करते हैं 1451 से 1526 तक, संस्थापक बहलोल लोदी, जैसा कि आपको ऊपर पता ही होगा कैसे आए ये। इस वंश में कुल तीन शासक हुए, बहलोल लोदी की बात की जाए, ठीक है। आगे इसमें है आपके सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तो लोदी राजवंश आप बिल्कुल देख रहे होंगे ये, जैसा कि मैंने बताया था इसमें यहां भी बहलोल लोदी 1400 आपको दिखता होगा 1451 1450 से 1526 तक, और इनके शासक यहां पे लिखे हुए ध्यान रहे 1, 2 और 3, बहलोल खान लोदी थे, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ठीक है, उनके शासनकाल यहां पर लिखे हुए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें राजवंश की समाप्ति की, अगर बात की जाए कि ये राजवंश जो है लोदी व राजवंश से खत्म कैसे हुआ, तो मुगल शासक बाबर द्वारा, अभी देखते हैं कि बाबर कौन था, कैसे आया यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे आया, क्यों आया यहाँ पे। वो पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, चगताई तुर्क था जो कि इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, पानीपत की प्रथम लड़ाई में 1526 में जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की नींव रखी थी। चलिए इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में से इब्राहिम लोदी पहला शासक था जिसकी मृत्यु जो है युद्ध के मैदान में हुई थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट में लिखा हुआ है। चलिए बहलोल लोदी की बात कर लेते हैं, इसमें शासनकाल इनका यहां से यहां तक है, दिल्ली सल्तनत काल का जो है सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला ये जो है मुस्लिम सुल्तान था। आगे बात कर लेते हैं इसमें, यहां पे लिखा है कुछ और चीजें, सुल्तान बनने से पहले यहां था सरहिंद लाहौर का गवर्नर, राज्याभिषेक जो है अप्रैल 1451। चलिए अगर बात की जाए कि डॉक्यूमेंटेड सन मीन टू से कि जो लिखे हुए मिलते हैं, इनके 9 लड़के जो है इनके देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आपके जो है निजाम खान सिकंदर लोदी भी उनमें से था, तो जो उत्तराधिकारी बने वो सिकंदर लोदी थे इन 9 बेटों में। महत्वपूर्ण सैन्य अभियान जो आपसे पूछ सकता है वो है जौनपुर के विरुद्ध 1479 में सफल हुआ था, अंतिम ग्वालियर के खिलाफ 1486-87 में। मृत्यु की बात की जाए तो लू लगने के कारण हुई थी जब वह ग्वालियर से लौट रहा था, बिल्कुल देखिए लू कितनी खतरनाक थी, होती है मिंटू से, कि लू लगने के कारण जो है इनकी डेथ हुई थी 12 जून 1489 में, ठीक है। 89 उपलब्धियां जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय सबसे इम्पोर्टेंट है, यही उपलब्धियां आपसे पूछी जा सकती हैं कि जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में जो विलय हुआ वो इनके द्वारा किया गया, ठीक है। यहां बात की जाए तो इसका जो राजस्व सिद्धांत जो है अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था, ना कि पिछले वंशों की तरह निरंकुशता पर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था और इसने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई, ठीक है, जैसा कि पिछले
उसमें आपने देखा होगा फिरोज की बात की जाए तो जजिया कर लगा दिया जो हिंदुओं पे, लेकिन ये हिंदुओं के प्रति काफी उदार नीति जो इन्होंने अपनाई थी। इसने एक चांदी का सिक्का जारी किया था बहलोली नाम से, ये भी आपको ध्यान रहे। चलिए सिकंदर लोजी निजाम खान इनका उपनाम था, बात कर लेते हैं इनके। वही वजीर या पीएम का नाम इनके मियां भुआ था, वास्तविक नाम इनका निजाम खान था, पिता इनके बहलोल लोदी थे। देखिए उपलब्धियों की ही बात करते हैं सीधे आकर के, जो आपका इम्पोर्टेंट है जो पढ़ना है आपको। नए शहर आगरा की स्थापना, तो आपसे पूछ सकता है आगरा की स्थापना किसने की जो है, तो सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। इस राजधानी को दिल्ली से आगरा जो है 1506 में प्रथम बार आगरा राजधानी बनी थी 1506 में, और उसको बनाया था सिकंदर लोदी ने, इनको निजाम खान बोलते हैं। गज ए सिकंदरी, प्रमाणिक माप कृषि भूमि मापन हेतु, ये था प्रमाणिक माप उस समय। गज ए सिकंदरी बोलते ना आजकल, गज इतना गज है और एक गज दो गज, तो गज ए सिकंदरी प्रमाणिक मापन था उस समय। खाद्य पदार्थों की बात कर ली जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि खाद्य पदार्थों को कम दाम पर उपलब्ध करने हेतु चुंगी कर हटा लिया जो है धर्मांध यानी कि डॉगमेटिक शासक था, और यह हिंदुओं के प्रति काफी कठोर नीति अपनाई। बिल्कुल आपने देखा होगा कि अगर बात की जाए इससे पहले जो पिता थे बहलोल लोदी, वो काफी जो है उदार थे और ये काफी जो है कठोर नीति अपनाई जिस तरीके से औरंगजेब ने अपनाई थी। इसने हिंदुओं पर जजिया व तीर्थ यात्रा कर लगाया फिर से, बावजूद इसके यह लोदी राजवंश का सबसे काबिल शासक था। देखिए ये आपसे कई बार कॉम्पिटेटिव पेपर्स में पूछा गया है कि गुलरुखी ना उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, तो गुलरुखी जो उपनाम है वो इन्हीं सिकंदर लोदी का है। फारसी भाषा में गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था ये, ठीक है। इसमें लिखा है कि इसी के शासनकाल के दौरान भारतीय संगीत पर बेस्ड पहले फारसी ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी। तो ये बिल्कुल ध्यान रहे आपको ये पॉइंट, और ये गुलरुखी वाला सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए हाईली एजुकेटेड रूलर, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा एक तरीके से प्रकांड बोल सकते हैं जो है, तो वो था आपका इब्राहिम लोदी की बात की जाए 1517 से लेकर के 1526। इस वक्त राजपूत राजा जो है वो राणा सांगा जो है वो थे, इनके पिता सिकंदर लोदी जैसा कि आप आगे देख ही चुके हैं। प्रमुख घटना की बात की जाए जो है तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें हारा था ये बाबर के द्वारा, उपलब्धियां और चुनौतियां ये है इम्पोर्टेंट आपके लिए। पहली सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर के खिलाफ, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ था। इसी के पास कोहिनूर हीरा था उस वक्त, ठीक है, जो राणा विक्रमजीत थे, ठीक है, ग्वालियर के राणा विक्रमजीत के पास कोहिनूर हीरा था। तो उस वक्त युद्धापरांत क्या होता है, जो विक्रमजीत है वो इब्राहिम लोदी का जो है मित्र बन जाता है। इब्राहिम का प्रमुख विरोधी मेवाड़ का राजा राणा सांगा था। बात की जाए दोनों ने ही मालवा और को विजिट करना चाहते थे। चीजें जो लिखी हुई है इसमें आप देख सकते हैं, जो मेन पॉइंट है वो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, बस पीडीएफ आपको मिल जाएगी पढ़ सकते हैं वहां से। खतौली का युद्ध जो इनके उसमें जाना जाता है, ग्वालियर की निकट पड़ता है आपका ये, 1517-18 में इब्राहिम की हार हुई थी और राणा सांगा को अपने एक हाथ और एक पैर से हाथ धोना पड़ा था, मतलब उनको हाथ गंवाने पड़े थे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें कि, और दूसरा है इसमें धौलपुर की लड़ाई, ठीक है, इस पुनः इब्राहिम की हार हुई थी राणा सांगा को के हाथों से, बावजूद इसके राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया। हार जरूर हुई थी लेकिन राणा सांगा जो है दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया। आप धौलपुर की लड़ाई की बात करें या आपका जो है अभी इसमें था खतौली का युद्ध, ठीक है, ग्वालियर के पास वाला वर्ष 1519-20 में। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुआ जो है ऐसा कि आपका जो है मुगल या बाबर जो है यहाँ पर बाबर की एंट्री हुई। इब्राहिम लोदी एक निरंकुश डेस्पोटिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इब्राहिम लोदी निरंकुश शासक बनना चाहता था, अतः यह अपने लोगों पर भी सख्त नियंत्रण चाहता था, अतः उसने उन्हें अपमानित करना लगातार जो है प्रारंभ कर दिया। हुआ क्या कि इसके सख्त रवैये से जो है परेशान होकर के जितने भी अफगान सरदार थे वो इसके विरुद्ध हो गए। तो बात की जाए जो है दौलत खान थे पंजाब के गवर्नर, उसने क्या किया, अफगान शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया सबसे पहले, और बाबर को राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी से भी आमंत्रण मिला था। ध्यान रहे क्योंकि राणा सांगा जो है को हराया था, मतलब राणा सांगा ने इनको हराया था, बावजूद वो जो है दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे आलम खान लोदी उन्होंने भी जो है आमंत्रित किया था इस चगताई तुर्क बाबर को कि आप जो है दिल्ली पर आक्रमण करिए, दिल्ली मतलब भारत उस समय। इस प्रकार बाबर को अवसर मिला और हमले हेतु अंततः उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी ने पराजित से जो इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मार डाला, ठीक है। तो ये जो है आप बात करें 21 अप्रैल 1526 को जो है
जो आपका लोधी साम्राज्य था उसका अंत हुआ, और इस प्रकार यहाँ पर लिखा है इस प्रकार लोधी वंश का अंत हुआ। तो यही था जो है आपका लोधी वंश को तक को लेकर के जो है सैयद लोधी और तुगलक वंश जो था उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ दो वीडियोस में। आगे जो आपका है वो है आपका विजयनगर साम्राज्य, आपके सिलेबस में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपके दिया हुआ विजयनगर साम्राज्य, उसके बारे में मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पर नोट्स मैं बना चुका हूँ, तो इसको मैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जो हमारा फेसबुक पेज है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, लाइक करना उसको भी ना भूलें, शेयर जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ में करें। तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।